वर्ल्ड फेमस हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल जो बहुत ही टेम्पटिंग बनती है। इसे सादा चावल और तला हुआ गोश्त के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। आप जरूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड अप। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी जो हम कैरी के साथ बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तुअर की दाल ले ली है मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 फुल कप। आप चाहें तो इसे मसूर या फिर मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, तुअर से बहुत अच्छी बनती है। तो इसे हमने पहले वॉश कर लिया है। इसमें हम नेक्स्ट ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, इसे स्लाइस कर लिया है। साथ ही हरी मिर्च ली है 10 से 12। अगर आप हरी मिर्च नहीं चाहते तो आप लाल मिर्ची की भी इसे बना सकते हैं। ये हम दाल में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे हम पानी, 1 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कैरी हमने ले ली है, 1 कैरी है। अगर कैरी खट्टी कम है तो आप टमाटर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। तो कैरी हम अभी नहीं ऐड करेंगे, इसे एक विसल आने देंगे और उसके बाद कैरी को ऐड करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कोथमीर और धनिया पाउडर। इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने और थोड़ा सा ऐड किया है यानी 1 ग्लास के ऊपर और थोड़ा सा ऐड किया है। चलिए इसे लिड कवर करेंगे और 1 सीटी आने के बाद हम इसमें कैरी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने कुकर को रख दिया है और हम दाल को 1 सीटी आने के बाद निकालेंगे। और ये देखिए 1 सीटी हो गई है और दाल हमारी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कैरी जो हमने चॉप करके रखी थी। हमने पहले कैरी इसलिए ऐड नहीं की, कभी कैरी बेस में चिपक जाती है। तो दाल को थोड़ा सा सॉफ्ट करें और आप चाहें तो कैरी को कम्प्लीटली मैश कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए इसे फिर से कवर करेंगे और एक मिसल आने तक, 1 से 2 सीटी आने तक, जब तक कि कैरी सॉफ्ट ना हो जाए इसे कुक करेंगे। ये देखिए 3 से 4 सीटी हो गई है और मैंने लिड निकाल दिया और गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम दाल घुटनी से दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप ब्लेंडर में ना ऐड करें, इसे अच्छे से हाथ से घोटें जिससे इसका चिकटपन आएगा दाल का और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से पहले मैश कर लें। दाल को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं 1/2 ग्लास के करीब। इस तरह से साइडों से इसे पानी ऐड करेंगे। थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता कोथमीर ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने ऐड नहीं किया था तो सॉल्ट आप इस पॉइंट पर ऐड करें 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च, नमक और मिर्ची जितना आप तीखा खाते हैं या फीका खाते हैं उसके हिसाब से। चलिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। एक बॉईल आने देंगे फिर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं आप हमारी दाल एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दाल का बेस्ट पार्ट यानी कि उसका बघार यानी कि तड़का प्रिपेयर करेंगे। पैन ले लिया है मैंने और इसमें तेल डाल दिया है बघार के लिए 1/2 कप से थोड़ा। तो आप तेल अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, बघार में अक्सर तेल अच्छा रहना चाहिए। तो तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ज़ीरा को हल्का सा ब्राउन होने के लिए साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन 3 से 4 और बघार के मिर्च। बस इसे थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमारा लहसुन हो चुका है और मिर्ची भी हो गई है।
हमें बघार को जलाना नहीं है। तो गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। इसको थोड़ा सा मैंने इसे ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश वर्ल्ड फेमस हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल, जो बहुत ही टेम्पटिंग बनती है। आप जरूर ट्राई करें हमारी रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। थैंक यू एवरीवन।